के इन्होंने रिसाला हंस के जरिए हिंदी के नौजवान अदीबों को मुतारिफ कराने में अहम रोल अदा किया। जितनी बड़ी तादाद में रिसाला हंस ने नौजवान अदीबों की तकलीफात को नुमाया तौर पर शाया किया और उनकी तहरीरों को मुल्की सतह पर जो पजराई हासिल हुई, हिंदी अदब में उसकी दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। ये राजेंद्र यादव थे जो नौजवान अदीबों की तख्लीकात का संजीदगी से मुताला करते, उन्हें कीमती मशहरों से नवाजते और हर लिहाज से उनकी हौसला अफजाई में मसरूफ रहते। हिंदी अदब में औरतों और दलितों को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन इन्होंने औरतों और दलितों को हिंदी अदब में जायज़ मुकाम देने की बामानी पेशरफ्त की। इनकी तख्लीकात को नुमाया तरीके से शाया किया और अहम मुबाहिसों में इनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। इस बिना से वो हमेशा ही तंज का निशाना बने और हर महाज पर इनकी खुलकर मुखालफत की गई, यहाँ तक कि इन्हें साहित्य का आतंकवादी भी कहा गया, लेकिन इन्होंने इन बातों की कतई परवाह नहीं की और बेबाकी के साथ अपने मुस्बत मिशन की तकमील में मसरूफ रहे। इन्होंने हिंदी के मारूफ कलमकारों मसलन विद्या निवास मिश्रा, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह को अपनी तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद ये कलमकार राजेंद्र यादव की मुख्तलिफ़ुल